बहनों पहले की सरकारों और हमारी सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है पहले की सरकारें गरीब को तरसाती थी उसे अपने दफ्तरों में चक्कर लगवाती थी हमारी सरकार गरीब के पास खुद पहुंच रही है हर योजना का लाभ गरीब को मिले इसलिए अभियान चला रही है आज हम सेक्चुरेशन की बात कर रहे हैं यानी जन कल्याण की हर योजना का लाभ शत प्रतिशत लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे कोई भाई भतीजावाद नहीं कोई तेरा मेरा नहीं इसको देना इसको नहीं देना कुछ नहीं जिसका हक है सबको देना पक्के घर सबको तेजी से मिले गैस हो बिजली कनेक्शन हो पानी के कनेक्शन हो आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो ये सबको तेजी से मिले अच्छी सड़कों अच्छे स्कूल कॉलेज और अच्छे अस्पतालों तक सभी की पहुंच हो गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर तेजी से पहुंचे हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं आखिर हमें ये जल्दी क्यों है इतनी अधीरता इसके लिए क्यों है इसके पीछे अतीत का एक बहुत बड़ा सबक है ऐसी हर मूल सुविधाओं को बीते अनेक दशकों तक लटकाए रखा गया देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे हर दावे वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे वो किसी के काम नहीं आए सेनापति चाहे कितना भी जोश भरे लेकिन अगर सैनिकों के पास लड़ाई के लिए मूल सुविधाएं ही नहीं होगी तो युद्ध जीत पाना असंभव होता है इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है और तो मैं कहूंगा ये जो घर आपको दिया है ना वो सिर्फ रहने खाने पीने सोने की जगह है ऐसा नहीं है मैं तो कहता हूं ये आपका घर एक ऐसा किला है ऐसा किला है जो गरीबी को घुसने नहीं देगा और बच्ची खुची गरीबी है उसको भी निकाल के रहेगा ऐसा किला है आपका घर